गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मई महीने में एक नया रूल निकलवाया अंडर COTP एक्ट। ये टोबैको प्रोडक्ट्स रेगुलेशन एक्ट पे जो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या एयरपोर्ट हो, इधर ये स्मोकिंग जोन में जो इंडिविजुअल्स जो सिगरेट स्मोक करना चाहते हैं उसके लिए एक एक्ट पे रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन पहले जो रूल्स में एक गैप था या रूल्स में जो कमी था उसको एडवांटेज लेके पहले ये हुक्का सेंटर्स, ये हुक्का बार्स, ये स्मोकिंग जोन पे हुक्का सर्विस दे रहे थे। लेकिन लेटेस्ट रूल्स अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये रूल्स को अमेंड करके ये जो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया में कोई सर्विस ना देने के लिए ये जो नियम बनाए हैं, ये हम हैदराबाद सिटी में पूरा ताकत से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अमेंडमेंट से हैदराबाद में कोई होटल में, कोई रेस्टोरेंट में, कोई कॉफ़ी शॉप में, किसी भी जगह ये पब्लिक प्लेसेस में ये हुक्का सर्विस करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। और इसके बाद कोई भी वायलेट कर रहे हैं उस पर हम ज़रूर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे और ला के अनुसार। उसके साथ ही साथ हमारे पूरा ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है, लोकल SHOs को, डिविजनल ACPs को, जोनल DCPs को, ये नया जो लॉ रूल्स आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अमेंडमेंट आए हैं, अमेंडमेंट के अनुसार पूरा शहर में कोई भी जगह ये हुक्का सर्विस ना करने के लिए पब्लिक प्लेसेस में ये हम ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर के अनुसार कोई हर एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर एक्ट करने के लिए हम सुपरवाइज भी कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हैदराबाद सिटी में कोई हुक्का सर्विस देने का सेंटर नहीं रहेगा। ये हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कमिटमेंट है यूथ के लिए। ये पूरा यूथ ये स्मोकिंग हैबिट्स में ये हैबिचुएट ना होने के लिए, और पहले स्मोकिंग और उसके बाद और कोई वाइसेस में ये यूथ जा रहे हैं, इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अमेंडमेंट लेके आए हैं उसका सपोर्ट लेके हम हैदराबाद सिटी में एक हुक्का फ्री सिटी हम बनाएंगे। और हर एक ऑफिसर, हर एक कांस्टेबल से सभी लोग एक टीम वर्क करके ये रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे।